नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, गुना की घटना को लेकर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव का बयान। भाजपा हमेशा से ही दलित विरोधी रही है। 2018 के चुनाव में पहले 2 अप्रैल को ग्वालियर में अनुसूचित जाति के लोगों पर बीजेपी ने जो कहर बरपाया था, वह पूरे मध्य प्रदेश में देखा गया था। अब फिर भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार में वापस आ गई और फिर दलितों पर अत्याचार कर रही है। गुना में हुई घटना की मैं निंदा करता हूं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस घटना को लेकर काफ़ी गंभीर है और जल्द ही प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो कल जाकर विजिट करेगी और एक एक पहलू की जांच करेगी। वहीं लाखन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की पूरी नज़र उपचुनाव वाली विधानसभाओं पर है, बाकी जाए भाड़ में। भाजपा के भगौड़े विधायकों को जनता सबक सिखाएगी, इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सिंधिया पर हमला बोलते हुए लाखन सिंह ने कहा कि 2003 से 2008 और 2013 में ग्वालियर चंबल में सिंधिया का जादू क्यों नहीं चला था, तब तो वह कांग्रेस में थे। कांग्रेस पार्टी 2018 में इसलिए जीती थी कि भाजपा ने दलितों पर अत्याचार किया था। देखिए, हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित विरोधी पार्टी रहा है। उन्हीं के कार्यकाल में 2018 चुनाव के पहले जो 2 अप्रैल की जो घटना हुई मध्य प्रदेश में, खासतौर पर ग्वालियर चंबल में, जो जितना हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जितना ज़बरदस्त तरीके से मारपीट और उनके साथ जो एक नंगा नाच किया था, पूरे प्रदेश और देश ने इसको देखा था। आज मध्य प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी अपने धनबल की दम पर विधायकों को खरीद कर 35 से 40 करोड़ रुपए तक खरीद कर और यहाँ सत्ता में दोबारा काबिज हुई है और इस प्रदेश के दलितों पर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर, उनकी ज़मीन को लेकर, जिस ज़मीन पे हमारे गुनाह के वो लोग दलित, जिनको हम लोग आपके चैनलों के माध्यम से पिटते हुए लट खाते हुए देख रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जो व्यवहार किया है निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है। और हम और हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व, हमारी पार्टी और हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व इस बात पे काफ़ी गंभीर है और इसको लेके हम प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक समिति भी गठित की है और वो समिति वहाँ जाके खुद विजिट करेगी, पूरा एक एक पहलू पे विचार करेगी और पूरा उस पे मंथन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सच्चाई तो ये है कि इस समय जब से मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई है, जब से पूरे मध्य प्रदेश को छोड़कर उनका ओनली एक ही टारगेट है, ये 24 सीटें अब 25 हो गई हैं परसों से। ये 25 सीटों को उन्होंने मिशन के रूप में लिया है, बाकी का समूचा मध्य प्रदेश उनकी तरफ से भाड़ में जाए, कहाँ क्या हो रहा है उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनका एन के एन प्रकारण, ये 25 सीटों पे उनका टारगेट है। पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, पूरी पार्टी उन्हीं 25 सीटों को टारगेट किए हुए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उनका ये मिशन कभी भी सफल नहीं होगा। ख़ासतौर पर मैं ग्वालियर चंबल का, मैं खुद रहने वाला हूँ, मैं वहाँ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ग्वालियर चंबल में 16 सीट हैं और वो 16 सीट का जिन मतदाताओं के साथ इन भगोड़े विधायकों ने जो अपमान किया, उनके जनादेश का जो उन्होंने अनादर किया है, निश्चित तौर पर वहाँ के लोग ये बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो 24-25 सीटें पे उपचुनाव हो रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस प्रदेश की जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। और इस तरह से यदि ये चुनाव जीत गई तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में, भविष्य के गर्त में है जो, कि कभी भी कोई भी दल, किसी भी मतदाता, किसी भी क्षेत्र में विकास की बात नहीं करेगा। सिर्फ एक ही एजेंडा लेके चलेंगे कि जो भी बंदा जीत के आएगा उसको पैसे की दम पर हम लोग खरीदेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें पूरे जनता के जेहन में उतर चुकी हैं और मुझे लगता है कि ये 24-25 जो लोग हमारे गए हैं, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में दोबारा लौट के नहीं आ पाए। ग्वालियर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी अभी 2018 के चुनाव में पूरे प्रदेश में दौरा किया, उन्होंने ग्वालियर चंबल में भी दौरा किया था। ग्वालियर चंबल में हमारी सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आई कांग्रेस की। लेकिन इसको हमारे लोग और आप लोग भी ये जोड़ के चलते हैं कि ये सिर्फ सिंधिया जी की वजह से जीती थी, ये आपकी गलत फहमी है।
सिंधिया जी के बारे में जहाँ तक मैं बता दूँ, 2003 का चुनाव हुआ, 8 का चुनाव हुआ, 18 का बाद 13 का चुनाव हुआ, इनमें भी सिंधिया जी वहाँ नेता थी। या तो हम इसको यूँ कहें कि उस समय सिंधिया नेता नहीं थे, ये अभी आके नेता हुए 18 में, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन हम इसको यूँ कहें, सच्चाई तो ये है कि जो अभी 2018 का जो चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और ख़ासतौर पर ग्वालियर चंबल में जो हमारे दलित समाज के साथ जो 2 अप्रैल की बड़े पैमाने पर जो घटना हुई थी, उस घटना का मैन जो परिणाम था, इसको ये हम कहना बिल्कुल गलत है कि सिंधिया जी के वजह से उनके नेतृत्व में या उनके लीडरशिप इतनी लोकप्रिय थी, और इतनी लोकप्रिय होती तो उसके तुरंत बाद 4 महीने बाद पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उसमें खुद ही धराशायी हो गई थी, दूसरों को क्या जिता सकती हैं। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, इनकी जोड़ी ग्वालियर में कोई, इनकी क्या पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी ग्वालियर चंबल में कोई भी असर नहीं करेगी। इस बार का ये चुनाव ना ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, ना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उससे ज़्यादा ये चुनाव उस क्षेत्र का मतदाता चुनाव लड़ेगा, जिस क्षेत्र के मतदाता को बेंगलोर में जाके मंडी की तरह हाट लगा के इन्होंने बेचा है, तो वो मतदाता का अपमान है। मुझे लगता है ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से उन मतदाताओं के अपमान का बदला लेने का चुनाव है, तो वो चुनाव लड़ेंगे इस बार का चुनाव। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।